आप सभी को नमस्ते। ये मैसेज कोंगचाई मोक के लिए है। कोंगचाई मोक जिस तरह से उसने कल परसों सोशल मीडिया में एक प्रेस मीट के रूप में उसने सोशल मीडिया को पूरा वायरल कर रहा था, उसी को मैं ये रिप्लाई करना चाहूंगा कि वो पार्टी में है। अगर कैंडिडेट हो रहा है तो अच्छी बात है, हम लोग पूरा प्रार्थना करते हैं कि वो अपना जीतने के लिए, अपना वोट ज्यादा पाने के लिए। लेकिन उसने अपना वोट पाने के लिए दूसरा ब्रू जनजाति को उंगली उठा करके, ब्रू जनजाति को नफरत करके, ब्रू जनजाति को नीचे दिखाने के लिए उसने ये कैंडिडेट हुआ है। उसका लेक्चर के अनुसार, उसके भाषण के अनुसार, उसका जो डायलॉग के जरिए हम पता चलता है कि वो कैंडिडेट इसलिए हुआ है कि वो ब्रू आईडीपी को, यानी कि ब्रू शरणार्थी बोल बोल के उसने जिस प्रकार लेक्चर दे रहे थे, उसी माध्यम से हम ये पता चलते हैं कि ब्रू आईडीपीएस से उसको कितना जलन हो रहा है। यहाँ पर ब्रू आईडीपीएस को यहाँ त्रिपुरा में रिसेटलमेंट करवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया था जनवरी 16 तारीख 2021 को। लेकिन तब से ये कोंगचाई मोक इतना अपना दिल में जलन हो रहा है, पिछले कई सालों से अपना ये दिल का बातें निकाल सकता था, लेकिन ये एडीसी इलेक्शन है, उस वक्त उसने कल परसों ही अपना दिल के बातें खुल करके बता रहा था कि ब्रू आईडीपीएस को यहाँ त्रिपुरा में जब से रिसेटलमेंट के लिए निर्णय लिया, तभी से यहाँ त्रिपुरा का जितना भी जनजाति लोग का आता पाता जगह मगर सब छीन लिया गया। उसी प्रकार ये एडीसी इलेक्शन में ये ऐसे ही भाषण दे रहा था, ऐसे ही डायलॉग मार रहा था। ये कोंगचाई मोक से मैं ये रिप्लाई करना चाहूंगा कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ब्रू आईडीपीएस को यहाँ पर नॉर्थ त्रिपुरा हो या कहीं भी हो त्रिपुरा में रिसेटलमेंट करवाने के लिए जो जगह दिया है, किसी का आता, किसी का पाता, किसी का जगह नहीं है, किसी का जगह स्थान नहीं है। वो सीसीआरएफ जहाँ पर है उस जगह पर चुन करके त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ब्रू आईडीपीएस को सेटलमेंट करवाने के लिए 11 लोकेशन चूज किया है। 11 लोकेशन इसलिए चूज किया है ताकि वो जगह किसी का पता, किसी का जगह, किसी का स्थान ना हो। इसलिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने सीसीआरएफ जहां पर है उस जगह पर ब्रू रिसेटलमेंट के लिए जगह चुन करके रखा था। लेकिन पोंचाई मोक ने क्या बोला था कल सोशल मीडिया में, पोंचाई मोक ने यह बोल रहा था कि ब्रू आईडीपीएस को त्रिपुरा में सारा जगह दे दिया, सारा स्थान दे दिया, उसके वजह से यहाँ त्रिपुरा में बहुत सारा जातियों का जगह छीन लिया गया, जगह कमी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे भाषण दे रहा था। इसलिए ये मैसेज कोंगचाई मोक तक पहुंच जाना चाहिए था कि किसको जगह छीन करके त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ब्रू आईडीपीएस को दिया, वो सोशल मीडिया में दिखाना पड़ेगा। सोशल मीडिया में अगर नहीं दिखा पाएगा तो पूरा सोशल मीडिया में वो माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो ब्रू आईडीपीएस को उंगली उठा करके, ब्रू आईडीपीएस को बदनाम करके ज्यादा वोट पाने के लिए उसने ये भाषण दे करके रखा था। इसलिए ये जिस प्रकार उसने भाषण दिया था, ये हमारा ब्रू आईडीपीएस के लिए बहुत शर्मिंदा की बात है। इसलिए हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, चुपचाप नहीं करेंगे, चुपचाप नहीं रहेंगे हम लोग जब तक वो सोशल मीडिया में उसका भाषण जो वायरल हो चुका था सोशल मीडिया के जरिए वो माफी मांगना पड़ेगा। ब्रू आईडीपीएस यहाँ पर 24 साल हो चुका है, 24 इयर्स हो चुका है यहाँ त्रिपुरा में, एक शरणार्थी का रूप में हम लोग जी रहा था, 24 हो चुका है, 24 इयर्स पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई किसी यहाँ पर मानरेगा किसी का प्राप्त नहीं किया, किसी को नहीं मिला अभी तक त्रिपुरा गवर्नमेंट का फैसिलिटी, सिर्फ हमें रिलीफ फैसिलिटी मिला है अभी तक। फालतू झूठ मूठ भाषण देकर के अपना वोट पाने के लिए दूसरे को क्यों नीचे दिखा रहा है। ये मैसेज पंचायत मोक तक पहुंच जाना चाहिए कि सोशल मीडिया में अगर सोशल मीडिया में माफी मांगते हुए अगर नहीं देखेंगे तो पंचायत मोक सावधान रहना चाहिए। आप ब्रू जाति को जिस तरह से आपने शर्मिंदा कर रहा है, ब्रू जनजाति को जिस तरह से आप क्रिटिसाइज कर रहा है, ब्रू जनजाति को आप जिस तरह से झूठ मूठ बोलकर पूरा ये आपका बातें सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। आज जैसा हम भी बोल सकता था, आज जैसा कर सकते हमें,
आपका पार्टी को निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जाति को भी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सच्चाई को ले करके सभी को दिखाना चाहूंगा कि त्रिपुरा गवर्नमेंट किसी का जगह मिटा करके, किसी का जगह छीन करके ब्रू आईडी पीएस को किसी को अभी तक नहीं दिया। लेकिन झूठ मूठ बोल करके ऐसा क्यों दूसरों को उंगली उठा करके झूठ मूठ बोल के क्यों ऐसा जलन हो रहा है? आप अपना वोट पाने के लिए आपसे से लेक्चर करो, भाषण करो। आप जैसा नेताओं के वजह से त्रिपुरा भिखारी हो चुका है अभी, आप जैसा नेताओं के वजह से त्रिपुरा भीख मांगने लगा है अभी। इसीलिए जिस प्रकार आप कोंचाई मोक, जिस प्रकार आप सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारा ब्रू जनजाति के लिए बहुत शर्मिंदा किया आपने। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में आप माफी मांगो, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा आपके लिए, हमारे लिए। हम दोनों अगर कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो ऐसा ही बातें किया मत करो, ऐसा ही भाषण, ऐसा ही लेक्चर मत किया करो। आप अच्छा से लेक्चर करो, अपना पार्टी का भलाई के लिए, अपना जनजाति भलाई के लिए आप जो कुछ भी लेक्चर करो, लेकिन आप अपना लेक्चर में दूसरा का जाति को उंगली उठाओ मत, यही हम कहना चाहते हैं। इसीलिए ये मैसेज कोंचाई मोक तक पहुंच जाना चाहिए। कोंचाई मोक इस वीडियो को देख करके जरूर आपका ये मैसेज का रिप्लाई आंसर जरूर देना पड़ेगा। आप जरूर सोशल मीडिया के जरिए आप माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ब्रू जनजाति बहुत शर्मिंदा हो रहा है, हमारा ब्रू जनजाति बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत शर्मिंदा हो रहा है। हमारा ब्रू आईडीपीएस को क्या जानते हैं आप, क्या देखा है अभी तक? आपने कभी ऐसा ही भाषण बड़ा बड़ा दे रहे थे कि ब्रू आईडीपीएस के जगह पर अभी तक आके आपने कभी विजिट किया? अगर विजिट, अगर ग्राउंड लेवल का बातें अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर विजिट एक बार आकर के देखिए कि हमारा ब्रू जनजाति यानी कि हमारा आईडीपीएस क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। आप पूरा पता चलेगा कि अपना आंखों के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रू आईडीपीएस कौन सा हाल में जी रहा है अभी, कौन सा सिचुएशन में गुजर रहे हैं अभी। ये सारे बातें जानने के लिए ब्रू आईडीपीएस जगह पर आके विजिट करो और आपका आंखों के द्वारा आप देख लीजिएगा। नहीं तो कुछ भी ऐसा जान सोच समझ करके आप भाषण दे दो, ब्रू आईडीपीएस का नाम मत लो आप, आपका काम नहीं है वो, आपका काम नहीं है। ब्रू आईडीपीएस को नहीं जानते हैं आप, ब्रू आईडीपीएस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या फैसिलिटी मिल रहा है, किसका जगह मिटा करके किसका जगह छीन लिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सा किसका पता को मिटा करके दूसरा जगह दूसरा आदमी को जो दे रहा है, ऐसा फालतू फालतू भाषण मत दिया करो। ये आपसे रिक्वेस्ट है और दोबारा ऐसा सोशल मीडिया में वायरल ना करें। धन्यवाद।